अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करने आए हैं फ़िश के कौरमे की रेसिपी। और फ़िश के कौरमे की बात की जाए तो इसका टेस्ट और इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है, बहुत टेस्टी लगता है फ़िश का कौरमा। तो आप इन सर्दियों में इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने फ़िश का कौरमा बनाने के लिए आधा किलो फ़िश ली है, जिसको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है, इसकी स्मेल वगैरह आउट कर ली है। देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो गई हमारी सारी फ़िश। और इसको वॉश करने का तरीका आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है फ़िश की स्मेल आउट करने की, इसे किस तरह से वॉश करते हैं, कैसे इसकी स्मेल को ख़त्म करते हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यहाँ पर हम कोरमे के अंदर डालेंगे एक बड़े साइज की प्याज, जिसको मैंने बारीक स्लाइसेस में काटा हुआ है, और तकरीबन 125 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पर दही लिया है कोरमा बनाने के लिए, और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर लिए हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। थोड़े से खड़े गरम मसाले लिए हैं, जिसको ग्राइंड करके हम अपनी फिश को मैरिनेट करेंगे। 2 हरी इलायची हैं इसमें, 8-10 काली मिर्चें हैं, 2 लौंगे हैं, एक छोटा सा पीस हमारे पास यहाँ पर जायफल का है, जावित्री का छोटा सा पीस है, और छोटा सा पीस ही हमारे पास दालचीनी का है। इन सबको ग्राइंड करके हम दही के साथ मिक्स करेंगे, उसके बाद हम अपनी फिश को अच्छे से मैरिनेट करेंगे। और यहाँ पर पाउडर मसालों में हमने 2 टीस्पून लिया है लाल मिर्च पाउडर, 3 टीस्पून लिया है हमने धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हमने यहाँ पर लिया है हल्दी पाउडर, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी फिश को मैरिनेट करना है, इसके लिए हम यहाँ पर एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे, इसके अंदर दही शिफ्ट कर लेंगे। अब हम इसके अंदर गरम मसाला डाल देंगे, जो खड़े गरम मसाले हमने आपको बताए थे उसका हमने दरदरा सा पाउडर तैयार कर लिया है, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके अंदर ही हम ऐड कर देंगे नमक, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये मैरिनेशन तैयार है हमारा। अब हम इसके अंदर एक एक फिश इस तरह से डिप करेंगे, अच्छी तरह से कोटिंग कर देंगे अपनी मैरिनेशन की फिश के ऊपर। ये देखिए इस तरह से एक एक पीस हम इसी तरह से कोट कर लेंगे मैरिनेशन में, और इस तरह से हम इसे प्लेट में रखते चले जाएंगे। इस तरह से फिश को मैरिनेट करने से बहुत ही मज़ेदार कोरमा बनता है। तो आप हमारे तरीके से एक बार कोरमा बनाकर ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंशाल्लाह आपको पसंद आने वाला है ये कोरमा। तो यहाँ पर हमने सारे फिश के पीसेस अपने कोट कर लिए हैं मैरिनेशन से, और ये जो हमारी थोड़ी सी मैरिनेशन का मसाला बचा है इसे हम ग्रेवी में इसी तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो फिश को रख देते हैं हम मैरिनेशन के साथ, तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। जब तक फिश हमारी मैरिनेशन के साथ रखी हुई है, और अपनी प्याज को ब्राउन कर लेते हैं, तो इसे मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए फ्राई करेंगे हम लाइट ब्राउन होने तक। यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है 150 ml, जिसकी मैंने छल को अच्छी तरह से निकाल लिया है इसको तेज़ गर्म करके। फिश का सालन ज़्यादातर मस्टर्ड ऑयल में अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है, और ये हेल्दी भी होता है। आप चाहें तो अपने पसंद की कुकिंग ऑयल में इसको बना सकते हैं। तो व्यूवर्स, प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो चुकी है, फ्लेम को हमने बिल्कुल स्लो किया हुआ है। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं हल्का सा प्रेस करते हुए, ताकि एक्सेस ऑयल निकल जाए इसके अंदर से। ये देखिए दोस्तों, प्याज हमारी परफेक्टली लाइट ब्राउन फ्राई हो चुकी है। इसको फ्राई करने के अगर आप सभी टिप्स देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं, इसको फ्राई करने के सभी टिप्स उसमें मौजूद हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है। इसको हम ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हाथों से क्रश कर लेंगे, या फिर आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। इधर आधा घंटा हो चुका है हमारी फिश को भी मैरिनेशन के साथ, तो इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। इनको हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, और फिश ड्रॉप करते वक्त तेल के अंदर थोड़ा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि ये छींटे मारती हैं तो हाथ वगैरह जल सकता है, तो आप थोड़ा केयरफुली इनको डालिएगा। अब हम इसको इस तरह से साइडें चेंज करते हुए फ्राई करेंगे। दो मिनट फ्राई करने के बाद हम इन पीसेस को बाहर निकाल लेंगे, इनका हल्का सा कलर चेंज होने तक ही हमें इसे फ्राई करना है। देखिए हल्का सा जब इसका कलर ब्राउन सा हो जाए तब हम इसको निकाल लेंगे, और बाकी के फिश पीसेस भी हम इसी तरह से फ्राई करके बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए हमने अपने सभी फिश के पीसेस को फ्राई करके बाहर निकाल लिया है। अब हम बचे हुए तेल में डालेंगे 8-10 मेथी दाने, 3 हरी इलायची ऐड कर देंगे,
तीन लौंगे ऐड कर देंगे और एक बड़ी काली इलायची ऐड कर देंगे इसमें और इनको हल्का सा सोटे कर लेंगे। और सोटे करने के बाद हम इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। एक मिनट के लिए इसको अच्छे से भूनेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट हमारा भून चुका है, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पाउडर मसाले। फ्लेम हमारा बिल्कुल स्लो है, कुछ सेकंड के लिए इसे स्लो फ्लेम पर इस तरह से कुक करेंगे। तो तकरीबन 30 सेकंड इसे स्लो फ्लेम पर भूनने के बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम अपने मसाले को तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए बहुत अच्छे से भूनेंगे ताकि इसकी सारी रॉय स्मेल खत्म हो जाए। हमें इसे जब तक भूनना है जब तक इसके अंदर से खुशबू आनी स्टार्ट नहीं हो जाती। मसाले को 6-7 मिनट भूनने के बाद हम इसके अंदर क्रश की हुई ब्राउन प्याज भी ऐड कर देंगे और साथ में ऐड कर देंगे इसके अंदर मैरिनेशन का मसाला जो हमारा बच गया था। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हमारा मसाला पूरी तरह से भुना नहीं है, इसके अंदर कसर बाकी है, तो इसे हम 2-3 मिनट और भुनेंगे जब तक इसके अंदर से खुशबू आनी शुरू नहीं हो जाती। तो और 3-4 मिनट के लिए मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है। ये देखिए अच्छे से फट गया है मसाला हमारा, ये पूरी तरह से भून चुका है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, तो तकरीबन 200 ml के करीब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसमें एक बॉईल लगा लेंगे। और जैसे ही इसके अंदर बॉईल आ जाएगा इसके अंदर हम अपने सारे फिश पीसेस को टॉप कर देंगे। एक मिक्स दे देंगे। बेहद मज़ेदार हमारा फिश का कोरमा तैयार ही होने वाला है। बस इसे हम तकरीबन 5 मिनट के लिए रख देते हैं कवर करके बिल्कुल स्लो फ्लेम पर, क्योंकि फिश को टेंडर होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी से टेंडर हो जाती है। तो बस 5-6 मिनट के बाद आप फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। हमारा फिश का कोरमा बनकर तैयार है। देखिए इसकी ग्रेवी देखिए, उसका टेक्सचर देखिए, बहुत ही शानदार फिश का कोरमा बनकर तैयार है हमारा। इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसके अंदर हमने फ्रेशली ग्राइंड करके गरम मसाला डाला है जिसकी खुशबू बहुत ही बेहतरीन आ रही है इसके अंदर से। तो ये तैयार है हमारा, बस अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। तो दोस्तों गर्मा गर्म हमारा फिश का कोरमा बनकर तैयार है और ये आप देखें कितना बेहतरीन लग रहा है देखने में, खाने में बहुत मज़ेदार है। तो आप ज़रूर बनाएं इसको और हमें अपने फीडबैक के ज़रिए ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह आप हमारे तरीके से इस कोरमे को बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो ज़रूर ट्राई करें रेसिपी को, रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली में फ्रेंड्स में और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आप हमसे कैसे जुड़ेंगे। तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, मैं फिर हाज़िर होती हूँ एक नई रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।